मैं साधना वेलकम करती हूँ आपका अपनी चटपटी रसोई में। फ्रेंड्स, आज हम मलाई कोफ्ता बनाएंगे बिल्कुल ही आसान तरीके से और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। चलिए अब हम शुरू करते हैं। इसमें मैंने 200 ग्राम पनीर ग्रेट की हुई, 2 आलू ग्रेट किए हुए, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच लाल मिर्च को डाल के अच्छे से अब हम इसको मिला लेंगे। हमारा आटा तैयार हो गया है, अब हम इसको कोफ्ते के शेप में गोल बना लेंगे। ये सारे मैंने गोले बना लिए हैं, अब हम इनको फ्राई करते हैं। चलिए, अब हम ग्रेवी की तैयारी करते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले तेल डाला है। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा इसमें 1 चम्मच जीरा डाल देंगे। एक बड़ा टुकड़ा अदरक का, एक बड़ी प्याज। प्याज जब ब्राउन हो गया है अब हम इसमें 2 बड़े टमाटर काट के डाल देंगे। मसाला भून गया है, अब हम इसको ठंडा करके पीस लेंगे। तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें अपनी पिसी हुई ग्रेवी डाल देंगे। अभी चम्मच हल्दी, आधा चम्मच धनिया, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच पनीर मसाला, एक चम्मच नमक, एक चौथाई चम्मच गरम मसाला। मसाला पक गया है, अब हम इसमें काजू का पेस्ट डालेंगे करीब 3 बड़े चम्मच। अब इसमें अमूल क्रीम या घर की क्रीम 2 बड़े चम्मच डाल देंगे। करीब आधा गिलास पानी। सबसे पहले हम प्लेट में कोफ्तों को रख लेंगे। ऊपर से ग्रेवी पूरी डाल देंगे। अब हम इसे क्रीम से गार्निश कर लेंगे। ये मलाई कोफ्ता बिल्कुल रेडी है।